ये भी भ्रम है लोगों में कि कालका जी मंदिर में शराब चढ़ती है। बिल्कुल चढ़ती है, शराब क्यों चढ़ती है? भ्रम नहीं है, ये सत्य है। ये सत्य है, ऐसा क्यों? काली माँ का रूप है, काली माँ का प्रसाद है, सेवन करती है। अच्छा, हाँ, शराब सेवन करने का मतलब ये नहीं कि माता को ऐसे पिलाया जाता है। अब वो खुशी की पागल हो गई, हाँ, कि ये माँ ने मेरे को क्या चमत्कार कर दिया। वो मंदिर में आई, उसने ऐसे अपनी जीभ पकड़ी और चक्कू से काट दिया। अच्छा, उन्होंने चांदी की ना चढ़ा के लिटरली अपनी जीभ काट, अपनी जीभ ऐसे पकड़ी, ऐसे काट के ऐसे छोड़ दी। अब हम सब देख के शॉक्ड हो गए। संजय दत्त के बारे में आपको बताता हूँ मैं। हाँ जी, बड़े विवादों में रहे थे वो किसी चीज को लेके। तो उनकी दोनों बहनें कालका मंदिर आती थी पूरे 40 दिन लगातार। अच्छा, क्योंकि कालका मंदिर में कालका माँ का चालीसा रखा जाता है, तो उसमें 40 दिन लगातार माता रानी के दर्शन करने पड़ते हैं और 40 दिन जोत लगाई जाती है। लगातार 40 दिन आई थी। और ये भी सत्य है कि जो कालका माँ का चालीसा रखता है 40 दिन लगातार आता है। चलिए आज आपको लेके चलते हैं दिल्ली में स्थित कालकाजी मंदिर, जहां पूरे भारतवर्ष से भक्तों की भीड़ उमड़ के आती है। और वहां मिलवाते हैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से जो ड्यू ग्रेजुएट होने के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं। अब चौंकिएगा मत अगर मैं बोलूं कि वो है यहां के पुजारी श्री सुनील सन्नी जी, जिनसे हमने यहां की हिस्ट्री के साथ माँ काली से जुड़ी भक्ति चमत्कार भ्रम और काले जादू के साथ आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज के साथ घटी घटनाओं पर भी काफी सारी बातें करी। आइए आप भी सुनिए। नमस्कार पंडित। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपने कालका माई के दर्शन कराए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, मुझे कालका मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताइए, कुछ पुरानी महत्वता क्या है? देखो, कालका मंदिर की हिस्ट्री तो बहुत सारी है, बट मैं आपको कुछ पॉइंट है जो हाईलाइट करूंगा। जो कालका जी मंदिर, जो कालका माँ का भवन बना हुआ है जी, ये कृष्ण और पांडवों ने मिलकर बनाया था। अच्छा, ठीक है। इस मंदिर का जो निर्माण किया था वो कृष्ण भगवान ने किया था पांडवों के साथ मिलके, तो ये उसी टाइम का बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा। और एक कालका मंदिर ही ऐसा मंदिर है जिसके 12 एंट्री एग्जिट है, और वो 12 इसलिए है क्योंकि हमारी राशियां 12 होती है। अच्छा, तो उस टाइम पे ये हुआ था, कृष्ण भगवान ने ये 12 गेट इसलिए बनवाए थे कि पांडवों को बोला था कि आपकी जो राशि है ना, वो उस राशि से एंटर करेगा। अच्छा, उस समय ऐसा माना जाता था, सच में ऐसा ही होता था, बट अब टाइम चेंज हो गया, बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया, तो अब ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट हमने रखी हुई है। वैसे कालका मंदिर के 12 गेट है, जो माँ कालका की जब आरती होती है, जब पूजा अर्चना होती है, तो वो खोले जाते हैं सारे। अच्छा, अभी भी वो सारे प्रैक्टिकली? हाँ हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं सारे हैं। अरे वाह पंडित जी, आपने बताया मंदिर का निर्माण पांडव और कृष्ण ने मिलकर कराया था, तो ये क्या ये शक्तिपीठ है इसलिए करा गया था? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो कौन सा अंग गिरा था यहाँ पे, ऐसा कुछ महत्व था? ऐसा कुछ है नहीं कि अंग गिरा था, बेसिकली ये सिद्धपीठ मंदिर है। अच्छा, इसका हाँ, मतलब सिद्धपीठ मतलब ये वो मंदिर होते हैं जहाँ खुद माता का अस्तित्व मिला था। अच्छा, हाँ जी, जैसे कि केदारनाथ है, महाकाल उज्जैन है, वैष्णो देवी है पिंडी रूप में। अच्छा, ऐसे ही कालका माँ का मंदिर है पिंडी में। अच्छा, यहाँ भी धरती से प्रकट हुई थी माँ? हाँ जी, और जैसे वैष्णो देवी में आपने 3 पिंडियां देखी हैं। हाँ जी, यहाँ कालका माँ सिंगल पिंडी में है, और तीनों देवियों का रूप बोला जाता है, दुर्गा भी। अच्छा, सरस्वती भी और माँ काली भी, उस सिंगल पिंडी में। हाँ जी। अरे वाह, बेसिकली जो माँ का यहाँ रूप है वो सौम्य रूप है, शांत रूप है। अच्छा, हाँ, मतलब जिसे काली माँ का रूप विकराल होता है, ठीक है, यहाँ माँ का सौम्य रूप है, मतलब जिसे कहते हैं ना मनमोहन, शांत, मतलब यहाँ के बिल्कुल शांत होकर आराम से तसल्ली से वो विराजमान हो गई थी। अच्छा, जैसे हम और ऑडियंस अक्सर देखते हैं काली माँ को गुस्से में विकराल रूप, जी बाहर। देखो, माँ तो सारी बराबर है। अच्छा, ये हमारी मंशाएं होती है कि हम किस रूप में पूजते हैं। अच्छा, ठीक है, सरस्वती माँ भी माँ है, दुर्गा माँ भी माँ है, तो एक ही ना, ये तो रूप अलग अलग बना दिए। अब बहुत से लोगों के दिमाग में मंशा होती है काली माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, काली माँ की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए, बट मंदिर आते हैं तो नजर नहीं मिलानी चाहिए, बहुत गलत है। अरे मैं, अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखोगे तो काली माँ ने तो अपने बच्चों के लिए भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ा था। हाँ। बच्चों से सबसे ज्यादा स्नेह तो काली माँ ने किया, सारी माओ में देखा जाए तो, सारी माओ में सबसे ज्यादा प्यार तो काली माँ ने अपने बच्चों को किया। तो फिर आजकल के बच्चे ये क्यों सोच लेते हैं, या माता पिता ये सोच लेते हैं कि काली माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, काली माँ को देखना नहीं चाहिए, काली माँ की मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, ये बहुत गलत है जी। और मैं तो एक बात मानता हूँ, देखो मेरा मानना तो ये है, मैं किसी भी देवी देवता में भगवान नहीं ढूंढता। अच्छा, मैं उनको अपना माँ बाप मानता हूँ। अच्छा, सारे कोई भी भगवान, मैं कालका माता को भी, मैं ये नहीं कहता कि भगवान है देवी है, मैं इनको माँ मानता हूँ।
माँ की तरह प्यार करता हूँ, माँ की तरह स्नेह करता हूँ, तो वो भी मुझे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। अभी हाल ही में मैंने देवी चित्रलेखा जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे भी उन्हें भी ये बोला था कि अगर आप अच्छा कनेक्ट बनाना चाहते हो तो कोई रिश्ता जोड़ लो। अब आप अगर मैं आपको देखूं कि आप ऐसा मेरा इंटरव्यू लेने आए हो या चैनल से आए हो, तो आप मेरे लिए अलग करेक्टर हो। और मैं सोचू कि शायद आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे दोस्ती कर लूं, भाई बना लूं, तो आपका करेक्टर अलग हो गया। हम अब भाई वाले रिश्ते से करेंगे। एग्जैक्टली, दूरी नहीं रहेगी वाली। एग्जैक्टली, ना झिझक रहेगी। एग्जैक्टली, जब आप अपने माँ बाप से नहीं शर्माते बोलते हुए, आप अपनी माँ से शर्माओगे कि मुझे खाना चाहिए तो खाना बना दो? नहीं नहीं नहीं। तो एग्जैक्टली सेम, अगर आप इसको भी माँ मांगोगे तो मांगोगे जब तो देगी। और आप पब्लिक की तरह आओगे, माता नमस्ते माता नमस्ते, जोत जलाई, पूजा करी और चले गए, तो माता ने किसी का दर्शन करने आया चला गया भाई। सही बात है। कहते ना कि एक स्कूल है, उसके अंदर दो बच्चे बड़े फेमस होते हैं। हाँ। एक तो वो जो बहुत अच्छे नंबर आता है। अच्छा। और एक वो जो सबसे नलायक होता है। हाँ। टीचर की नजरों में सबसे ज्यादा वो दो फोकस होते हैं। आप अगर वो नहीं बन सकते तो नलायक बन जाओ और माँ ही मान लो। कम से कम मानो, कम से कम मानो। अच्छा पंडित जी, काली माँ का रिलेशन अक्सर जादू टोने से भी जोड़ा जाता है, कि अक्सर हम देखते हैं तांत्रिक लोग या ये सब लोग भी, मतलब जहाँ भैरव बाबा या भोलेनाथ को बहुत पूजते हैं, वही काली माँ को भी बहुत पूजा जाता है, या अक्सर लोग किसी दोष निवारण के लिए भी काली माँ को याद करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब काली माँ का काला जादू या जादू टोना क्यों रिलेशन है? काली माता से इसलिए जोड़ा जाता है ना, क्योंकि उनका रंग काला था, मुंडों की माला पहनती थी, शमशान में बैठती थी, और सबसे ज्यादा डर तो आजकल शमशान से ही लगता है लोगों को। सारी तांत्रिक विद्या शमशान से ही स्टार्ट होती है। अब वहां की, अब काल का मंदिर की राख मैं आपको दूं, आप घर पे ले जाओ और मैं आपको बोलूं रोज इसका टीका लगाओ, आपको 1% क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा। और मैं शमशान के अंदर से निकलो और आपको राख दूं, तो आप 100 बार सोचोगे ये मैं अपने घर लेके जाऊं या ना जाऊं। लोगों ने डर बनाया हुआ है काली माता का, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो हम इतने बड़े हो गए, आज की डेट में मैं मानता हूं कि सबसे पवित्र जगह शमशान होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा का वास होता है वहां पे। इंसान तो रह गया ना बाहर। हाँ। जल गया, रह क्या गया उसकी? सारे कुकर्म तो इंसान ने किए, गलत काम इंसान ने कुकर्म किए। हाँ जी। ना चाहते हुए हमसे गलती हुई। हाँ। हम मर गए। हाँ। हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी तो हो गई खत्म। हाँ, बचा कौन? आत्मा। तो आत्मा से पवित्र, जहाँ आत्मा का स्थान है उससे पवित्र स्थान कौन हो सकता है? और शमशान। और दूसरी बात, शमशान ही एक ऐसी जगह है जहाँ दुनियादारी भूल जाते हो। सही बात है। आप किसी के जब जाते हैं लेके हम शमशान में, तो अंदर यही रहता है, यार भाई देख क्या हो गया यार, कल को हमारे साथ भी ऐसा होगा भाई, कुछ नहीं रखा यार जीवन में यार। ना वहां किसी को गाली देंगे, इवन हमारा फोन आ जाएगा तो हम फट साइलेंट कर देंगे। हाँ। तो हम शमशान में भाई बात नहीं कर सकते। डर है कि भाई ये बहुत वैसी जगह है भाई, यहाँ तो मुंह से निकला हुआ भी बहुत गलत हो जाएगा। हम ना लड़ सकते, ना किसी को गाली दे सकते। और जैसे ही शमशान से बाहर निकलेंगे, हाँ बस आगे आ गया यार, रास्ते में आगे आ गया, 10 मिनट लगेंगे, अरे यार वो किसी की डेथ होगी थी, बस आगे आ गया, घर जाते हुए सब खत्म कर देंगे। पर उस जगह में कोई एनर्जी होती है, सही कह रहे हो। एग्जैक्टली, 100% एनर्जी है। 100 जितना मंदिर पवित्र है उससे ज्यादा तो नहीं कह सकता, बट उसके बराबर शमशान भी पवित्र है। अच्छा। क्योंकि यार आप खुद सोचो ना, आत्मा का वास है वहां पे भाई। हाँ। और सबसे ज्यादा पेड़ पौधे आजकल शमशान में है, मंदिरों में पेड़ पौधे नहीं है। जी जी जी। आजकल एक ना ट्रेंड चल गया है, आजकल एक बहुत बढ़िया ट्रेंड चल गया है लोगों को डराने का। बिजनेस बन गया, बिजनेस बन गया। अगर आप रोड पे जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मेरे को आप बताओगे यार एक्सीडेंट हो, भाई थोड़ा सा ढंग से चलाओ यार। हाँ। ठीक से चलाओ। और आजकल नया ट्रेंड चल गया, ओ भाई साहब तेरा समय बड़ा खराब चल रहा है, तेरे ऊपर किसी ने जरूर कुछ कर रखा है, इसीलिए तेरा काम नहीं बन रहा। दूसरी बात, हिंदू धर्म के अंदर देखो प्राचीन काल से ये चीजें चलती आ रही है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारी माँ नजर उतारती है, तो कहने को तो ये भी जादू टोना है। सही बात है। अगर आप मानते हो तो कहने को तो ये भी जादू टोना है। ये सब एक विश्वास है। जब आदमी का समय खराब होता है तो वो दरगाह भी जाता है, वो गुरुद्वारे भी जाता है, वो हर वो काम करेगा जो उसको किसी ने बता दिया। जी। तू पीपल में पानी दे, तू ये कर, क्योंकि जब उसका समय खराब होता है तो उसको हर चीज में भगवान दिख रहा है। कि हाँ। शायद ये करने से मेरा काम बन जाए। हाँ। शायद ये करने से मेरा काम बन जाए। हाँ। और ये प्रैक्टिकल है, हमारे साथ भी होता है। सही बात है, हम भी सोचते हैं, हर काम करता है बंदा। अब उसी को लोगों ने जादू टोने का रूप दे दिया। अच्छा। कुछ लोग प्रोफेशनल बन गए कि हाँ भाई हम आपका पूरा बेड़ा पार कर देंगे। बट मैं अभी भी मानता हूं कि अगर आपके ऊपर विश्वास है, मुझे पता है कि इस बंदे ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, तो मेरी सारी मुसीबतें ठीक हो जाएंगी, तो मैं विश्वास वाली बात विश्वास करता हूँ। अच्छा। सामने जो बैठा है, दुनिया कह रही है वो जादू टोने कर रहा है, पर मुझे उस पर विश्वास कि वो सही कर रहा है। सही कर रहा है। अच्छा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है?
अब ये आपने जो क्वेश्चन करा ना, इस क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चीजें बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि हम अपने धर्म के लिए ऐसे कैसे बोल सकते कि जादू टोना तांत्रिक विद्या ये वो है, तो विद्या ही, जब लक्ष्मण जी तीर मार के सब जमीन में से पानी निकाल सकते हैं, ठीक है, लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं, तो उनके गुरुओं ने उनको सिखाया तभी तो उनको आया भाई, द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने ज्ञान दिया उनको तो ये सारा ज्ञान आया, तीर चला दी बारिश हो गई। सच्ची तो है ये हिंदू धर्म ही था। राम भगवान थे हिंदू धर्म के ही तो थे वो। कभी किसी धर्म में आपने सुना कि उसने ऐसे काम करे? सारे ये जादू टोने हमारे बचपन से पूर्वजों से चलते आ रहे हैं। ये जादू टोना नहीं, ये शिक्षा है, ये विद्या है। ये विद्या है जो हमें पूर्वजों से मिली थी। अब कुछ इस विद्या का मिस यूज कर रहे हैं और कुछ ढंग से यूज कर रहे हैं। आप उत्तराखंड से हो, आप जाओ गोमुख जाओ, वहां पहाड़ों पर देखो कितने साधु संत रहते हैं जी। पांडव गुफा है गंगोत्री धाम पे, आप गए होगे वहां पे, देखो आप। अच्छा, आप पांडव गुफा है वहां पे एक बाबा रहते हैं, वहां पे इतनी ठंड होती है कि आपको दो इनर पहनने पड़ते हैं फिर भी आपकी ठंड नहीं रुकती। अच्छा, और दिवाली धनतेरस वाले दिन बंद हो जाता है गंगोत्री, मतलब उत्तर काशी से सारा ऊपर रास्ता बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, और फिर वो कावड़ के टाइम पे खुलता है। ठीक है, अब वहां वो बाबा है, वो 12 माह सालों साल एक तैमन से लपेट के रहते हैं इतनी ठंड में। ये भी कैसे पॉसिबल होगा फिर? वो जो सारे काम आप खुद सोचो ना यार, चिकन पॉक्स आजकल इंग्लिश में बोलते हैं, माता आ जाती है, माता आ जाती है, उस हमारे देसी जुगाड़ से सब ठीक हो जाता है। सही बात है। अब उसको तुम जादू टोना नहीं कह सकते ना। आजकल के यंगस्टर्स नहीं मानते, डॉक्टरों के पास जाते वहां से भी ठीक होते हैं वो, लेकिन हम तो वैसे नाब होती है, कोड़ी होती है, धरण हो जाती है, सब देसी इलाज से ठीक हो जाता है। पहले पी लिया देसी इलाज से ठीक हो जाता था। अच्छा, तो जादू टोने की डेफिनेशन अलग अलग है, आप वो, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये जादू टोना या क्या है, या विद्या है। हाँ। अच्छा पंडित जी, जैसे अक्सर ज्यादा मतलब हम सुनते हैं कि बाकी माओ को नींबू चढ़ाना या दिखाना निषेध है, पर वही काली माँ को नींबू की माला चढ़ाई जाती है, ऐसा क्यों और क्या विधि है चढ़ाने की? ये बेसिकली शनिवार को चढ़ाई जाती है। अच्छा, ये बेसिकली कहावत है पुराने टाइम की कि उतारा, जैसे कि होता है कि अब हम बाहर रहते हैं, दुनिया की नजर लगती है या लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं, अब लोगों के कहने से पीपल पैर आ जाता है, चौराहे पे पैर आ जाता है, किसी ने कुछ हमारे लिए गलत करा, तो बेसिकली इसको एक उतारा कहा जाता है। उतारा सर्वप्रिय भेंट मानी जाती है नींबू की। नींबू, हाँ, जैसे पान मीठा पान सर्वप्रिय होता है माता का, ठीक है, नींबू की माला सर्वप्रिय होती है माता की। पेड़े, पेड़े, अच्छा, बहुत से लोग हैं जो नींबू एज इट इज ही चढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो उसके अंदर लौंग लगा के चढ़ाते हैं नींबू के। हाँ, बहुत से हैं जो लोग पूरी माला बना के लाते हैं, कोई 11 नींबू की, 21 नींबू की, 51 नींबू की, वो शनिवार को चढ़ाई जाती है। और ये भी सत्य है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनकी माता रानी सुनती है। ये भी भ्रम है लोगों में कि कालका जी मंदिर में शराब चढ़ती है। बिल्कुल चढ़ती है, शराब क्यों चढ़ती है? भ्रम नहीं है, ये सत्य है। ये सत्य है, ऐसा क्यों? काली माँ का रूप है, काली माँ का प्रसाद है, सेवन करती है। अच्छा, हाँ, शराब सेवन करने का मतलब ये नहीं कि माता को ऐसे पिलाया जाता है। अच्छा, नहीं, भोग की तरह से भोग लगाया जाता है, जैसे भैरव बाबा में लगता है। हाँ जी, देखो ऐसा होता है, एक तो होता है कि आपने मेरे को शराब दी, मैं ऐसे लगा के पिला रहा हूँ, बहुत से मंदिरों में मैंने देखा है, वीडियो में, किसी मंदिर का नाम नहीं लेना चाहता। हाँ जी, हाँ जी। एक होता है कि हम जैसे अपने देवी देवताओं को ऐसे, जैसे हम कुछ प्रसाद दे रहे हैं ऐसे करा, फिर जल का ऐसे हमने छींटा लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अलग अलग तरीके का भोग लगाया जाता है, बट ये सत्य है कि कालका मंदिर में शराब चढ़ती है क्योंकि काली माँ का रूप है यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया दुर्गा सरस्वती माँ काली। हाँ। और दारू का भोग कोई ऐसा नहीं है कि माँ शराब पीती थी, नहीं, ये सिर्फ भोग दिया जाता है। अच्छा, जैसे पान का, पेड़े का, मीठे का, ये ऐसे भोग माना जाता है। सपोज आप फर्स्ट आए तो आप सोचते हो कि यार अपने घर पे मिठाई का डिब्बा लेके जाऊंगा, सब बड़े होंगे कुछ। हाँ, हाँ। तो अब वो बंदा क्या, एक मंशा बनी हुई है लोगों के यहाँ पे दिमाग में ना कि माता रानी का सर्वप्रिय भोग में आता है शराब। अच्छा, तो अब ये जरूरी नहीं है कि वो माता रानी को ऐसे पिलाया, नहीं, वो छींटे लगते हैं ऐसे, माता रानी का बाहर धूतिया रखा है, लोग उसमें आते हैं चढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वो वापस ले जाते हैं बॉटल, वापस ले जाते हैं, कुछ बहुत से हैं जो यही दे के जाते हैं। अच्छा अच्छा, अब जैसे आप सेवन करते हो शराब का, आपको लगे कि यार माता रानी को भोग लगा उसके बाद प्रसाद मैं पी लूं। अच्छा, तो ऐसे भी होता है, जैसे भैरव मंदिर में आपने देखा गिलास लेके बैठे रहते हैं लोग। हाँ, तो वो आपके ऊपर है, अगर आपको ले जानी है तो ले जा भी सकते हैं, यहाँ छोड़नी है तो छोड़ भी सकते हैं। विधि क्या है, मतलब कहाँ से लेके, कहीं से भी लेके आए आप? अपने घर से खरीदो। अच्छा, कहीं से भी खरीदो, उसको लेके सीधा मंदिर में आओ, जैसे आप अपना प्रसाद देते हो ऐसी शराब की बोतल दो, वो माता रानी को छुआ के आपको दी जाएगी, आप बोलोगे जी चढ़ा दो, तो वो शाम को आरती होती है, सुबह आरती होती है,
दिन में 3 बार माता रानी का भोग लगता है। अच्छा। उस टाइम पे माता रानी को भोग लगाया जाता है उस चीज का। अच्छा, उस शराब का। हाँ जी। हाँ। कालका मंदिर हमारी प्राइवेट लैंड है, तो यहाँ गवर्नमेंट का तो ऐसा कोई रूल हम चलने देते नहीं। जो प्राचीन काल से हमारी पूजा पाठ चलती आ रही है वही पूजा पाठ हम कर रहे हैं। और कालका मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है कि यहाँ बाहर का पुजारी पूजा पाठ कर ही नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि यहाँ माता रानी का सुबह शाम पूरा प्रॉपर श्रृंगार होता है। आप लोग करते हैं? हम ही लोग करते हैं अपने हाथों से। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी में देखना, वो श्रृंगार सुबह अलग होता है, शाम का अलग होता है। तो प्रॉपर श्रृंगार वो हमें ही पता है वो कैसे होता है, जो हम जन्म से सीखते आ रहे हैं। तो उसको तो बाहर का पुजारी का, और उसका क्या विधि विधान है। और कालका मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि जब श्रृंगार होगा तो मेरा चाहे जीजा हो, हाँ, चाहे मेरा साला हो, चाहे मेरा मामा हो, सगा, कोई देख नहीं सकता उसको, सिर्फ मैं देख सकता हूं। मेल को अलाउड है, सिर्फ मेल को, फीमेल को भी अलाउड नहीं है, मेरी मम्मी को भी अलाउड नहीं है। अच्छा। हाँ जी। आप अकेले श्रृंगार आपके मतलब पुजारी मेल। अच्छा। चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 100। पंडित जी, मसानी भी हमने बहुत सुना है, मसानी को गुड़गांव शीतला माता जैसे मैंने आपको बताया। हाँ जी। वो मसानी माता ही। क्या होता है मसानी और काली माँ में फर्क? मसानी माता बेसिकली जो देखो हमें बताया गया या हमने सुना या जो एज हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया, हाँ जी, हरियाणवी लैंग्वेज बोलती है मसानी माता। अच्छा। हाँ, ठेठ हरियाणवी। अच्छा। और मसानी माता पे कोई जल चढ़ाता है या कोई मीठा पान चढ़ाता है या पेड़ा चढ़ाता है तो वो बहुत सिद्ध होता है काम, वो काम आपका कभी नहीं रुकता। मसानी माता उनको भी बोला जाता है जो हमारे हिंदू धर्म में माता है, जागरण में, कीर्तन में, जैसे आपने बोला, हाँ जी, कि वो खेलती हैं, हाँ जी, तो उनका भी बहुत बड़ा स्वरूप माना जाता है मसानी माता। मसानी माता। अच्छा। हाँ, ये मसानी बेसिकली एक नाम है। ओके। माता रानी वो गुड़गांव शीतला वाली माता है, उसको मसानी माता भी बोला जाता है। अच्छा। पंडित जी, आप इस मंदिर में ही पले बड़े, मतलब आपकी शिक्षा भी यही हुई और पले बड़े भी यही है, तो आपने कालका जी मंदिर में कभी कोई चमत्कार होते या कुछ भी कभी देखा हो या सुना हो अपने पिताजी से या पहले कभी हुआ हो? देखो, यहाँ कुछ कुछ अगर आप बता पाए। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आपने बताया हमारा पालन पोषण, हमारा बचपन सब यही बीता, ये देवी देवताओं के साथ हम खेल खेल के बड़े हुए, ठीक है। तो यह चमत्कार तो देखो रोज होता है। और कुछ बता दो ऐसे। तो जैसे कि ना चमत्कार तो यहाँ बहुत होते हैं। आज से 7 या 8 साल पहले, अच्छा, एक यहाँ लेडी आती थी और वो बहुत ज्यादा एज की थी, और जब मैं मंदिर पे कहते ना सोच समझनी स्टार्ट हुई, दुनिया को जानने लगा, तब से उन लेडीज को मैं यहाँ देखता था। और वो लाल कपड़े में रहती थी। अच्छा। और वो पूरा दिन में कम से कम 20 से 25 बार झाड़ू पोछा करती थी पूरे मंदिर का। अच्छा। कालका जी के पूरे मंदिर का? पूरे मंदिर, जहां उसको मौका मिलता था, अंदर का, बाहर का। और चालीसा पढ़ती रहती थी, दोनों टाइम की आरती अटेंड करती थी वो। और वो कुछ खाती पीती नहीं थी, उनका व्रत रहता था परमानेंट। अच्छा। वो सुबह आरती होती थी तो माता रानी की मिठाई खाती थी एक बर्फी, और सेम ऐसे थे शाम को। और अगर पूरे दिन में भी उनको कुछ खाना होता तो फलाहार वो भी हमसे प्रसाद रूप में ले लेती थी। अच्छा। तो हम देखते थे भाई ठीक है, और यहीं रहती थी मंदिर पे। अच्छा। कोई उसका बिस्तरा नहीं था, जमीन पे सोती थी। तो कुछ टाइम बाद पता लगा कि उनकी बहुत बड़ी फैमिली है। ओ। और फैमिली भी बड़ी रॉयल। अच्छा। मतलब जब उनके बच्चे मिलने आए तो लग्जरी कार में आए थे विद ड्राइवर, मतलब वो उस फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन माँ कालका की भगत थी तो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी डिसाइड किया होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं घर बार छोड़ के समर्पण कर दूंगी। तो उनके घर में उनको पोता हुआ। अच्छा। तो जब पोता पैदा हुआ बड़ी खुशियां मनाई, बट वो लेडीज तो मंदिर ही रहती थी, उसको कोई लेना, उसके बच्चे यहीं आए, यहीं मिलने आते थे, सब कुछ आते थे। कुछ टाइम बाद उस लेडीज को पता लगा कि उसका पोता गूंगा पैदा हुआ है। ओ, अच्छा। उसमें आवाज नहीं है। उसके बच्चे ने उसको बताया ऐसे ऐसे बात है, हम इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, ये वो फलाना लिखना। तो उस लेडीज ने माँ कालका से हुंकार लगाई कि भाई मैं तो तेरी भक्ति करती हूँ और सब कुछ है, और ये मेरी आंखों देखा सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, तो ऐसा है, तो अब आप करो, आप क्या करना है, और आप मेरे पोते की जबान वापस लाओ, मैं आपको जीव चढ़ाऊंगी। तो यहाँ कालका मंदिर में आपको बताता हूँ ये उसने ऐसा क्यों बोला। हाँ जी। कालका मंदिर पे जो बच्चा बोल नहीं पाता,
या तोतला होता है या अटकता है जी। या जिसकी जबान नहीं होती, तो चांदी की छोटी सी जीभ मंदिर पे चढ़ाई जाती है। अच्छा। और 40वें दिन वो बच्चा बोलने लगता है, ये प्रथा है। अरे वाह। अगर गूंगा होगा तो भी चढ़ाई जाती है मंदिर में जी। अच्छा। ठीक है, तो ऐसी उसने बोला, तो जैसे वो रूटीन था उसका, वो चलती रही। तो 20 या 25 दिन बाद उसके बच्चे आए मंदिर में, और सबसे बड़े तो बोलती नहीं थी। अच्छा। तो ऐसे इशारे करती थी। तो उसके बच्चों ने बताया कि भाई चमत्कार हो गया मम्मी, वो तो बोलने लग गया। अब वो खुशी की पागल हो गई। हाँ। कि ये माँ ने मेरे को क्या चमत्कार कर दिया। वो मंदिर में आई, उसने ऐसे अपनी जीभ पकड़ी और चक्कू से काट दी। अच्छा, उन्होंने चांदी की ना चढ़ा के लिटरली अपनी जीभ काट, अपनी जीभ ऐसे पकड़ी, ऐसे काट के ऐसे छोड़ दी। अब हम सब देख के शॉक्ड हो गए। हाँ। वो बड़ी नॉर्मल थी। अच्छा। चढ़ा के उसने ऐसे हाथ जोड़े और बाहर निकले। अब नॉर्मल सी बात है, यही बंदा कहेगा डॉक्टर के पास चलो। हाँ। अब डॉक्टर के पास गए तो वो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं। अच्छा। मैं कोई दवाई नहीं लूंगी। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, उसने 7 दिन या 8 दिन सुबह और शाम की आरती का श्री माता रानी का भोग ऐसे लगाया और 13वें या 14वें दिन उसकी जीव वापस आ गई। जीव इतनी आसानी से वापस आ गई? हाँ जी, वापस आ गई थी एज इट इज। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जितनी भी संगत मंदिर पे रेगुलर आती है जी, मैं आपको 500 लोगों से प्रूफ दिला सकता हूँ उस चीज का। अद्भुत। 500 लोगों से प्रूफ दिला सकता हूँ उस चीज का कि ऐसा मंदिर पे हुआ है। आज वो लेडीज नहीं है, उनकी डेथ हो गई मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हो गए, बट ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी। कोई और ऐसा? देखो ऐसे किस्से तो बहुत हैं, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको बताऊं क्या चीज। ऐसा कुछ मैं अपने ऊपर ही बताता हूँ, अपने ऊपर। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे कि मैं कालका मंदिर का पुजारी हूँ। हाँ जी। अब जैसे कि देखो, ना चाहते हुए इंसान है तो इंसान से गलती तो हो ही जाती है। बिल्कुल। तो एक बार एक वाक्य था, एक बड़ी बुजुर्ग लेडी थी। हाँ जी। बड़ी बुजुर्ग लेडी। अब एक्चुअल में होता क्या है, वो हमारी इंटेंशन नहीं होती करने की, बट हो जाता है। अब आपने देखा आज कितनी भीड़ है। अब लोग क्या करते हैं, अब जैसे कि आधे लोग तो होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, आधे लोग होते हैं परेशान होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं प्लीज अंदर आने दो बिना लाइन के, ये वो फलाना दिखनाना। तो अब मैं अंदर भवन में मौजूद था। हाँ जी। भीड़ बेतहाशा भीड़ थी, तगड़े वाली। अच्छा। तो आउट गेट से मैं पब्लिक को निकाल के गेट बंद कर रहा था। ठीक है। तो जैसे ही मैं गेट बंद करने लगा, एक बड़ी बुजुर्ग लेडी थी। हाँ जी। तो वैसे जबरदस्ती सी करने लगी अंदर आने के लिए, मैंने फट गेट बंद करा और मैंने कुंडी लगा दी। ठीक है। मतलब मैंने उनको नहीं आने दिया। ठीक है। मेरे अंदर मन चाहिए थी कि ये गलत रास्ता है आपका आने का। हाँ। मेरी कोई उनसे लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फिर मुझे किसी को बाहर निकालने के लिए आउट गेट खोलना पड़ा कि भाई आप बाहर निकलोगे तो यहाँ से निकलो। तो मैंने देखा, जैसी मैंने उनको निकाला वो फिर एकदम आई। अच्छा। मतलब वो 2 घंटे से गेट पे खड़ी हुई थी। हाँ। फिर वो अंदर घुसने, फिर मैंने गेट बंद कर दिया। मेरे दिमाग में कुछ नहीं, मैंने कोई लेना देना नहीं, पब्लिक है, खड़ी रहे मैं ये सोच रहा था। फिर 1-1.5 घंटे बाद मेरे चाचा ने बोला भाई खाना खा लो आप जाके, बहुत देर हो गई आपको मंदिर में। हाँ जी। तो मैं साइड वाले गेट से निकल के गया, खाना वाना खा के और आराम से थोड़ा रेस्ट करके, भाई जल्दी उठा था, थका हुआ था। जी जी। आधे घंटा मैं सो भी गया। तो शाम को मतलब स्टार्टिंग हुई 11:30-11 बजे, तो शाम के 5:30-5 बजे मैं फिर अपने VIP गेट से, जो हमारे पुजारी का गेट है, मैं अंदर घुसा। तो फिर वो कुछ ऐसा कुछ हुआ कि आउट गेट खोलना पड़ा, तो वो लेडीज वहीं खड़ी। अच्छा, अभी तक बुढ़िया लेडी वहीं खड़ी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा माता सुबह 12 बजे से आप खड़े हो, 5 बज गए। हाँ। मैंने कहा अगर आप लाइन से आते ना तो 4 बार दर्शन कर लेते। हाँ। तो उसने मेरे को बोला बेटा मैं दर्शन करूंगी तो इसी गेट से करूंगी और मेरे दर्शन तू कराएगा। हाँ। अब ये मेरी जिद है। अच्छा। तो मैंने कहा जी ये तो आपकी जिद बेकार की है, मैंने कहा आप खड़े रहो नॉर्मल। मेरे लिए ना मेरी उनसे कोई लड़ाई था, ना झगड़ा था, ना कुछ था। और मैंने ऐसे गेट बंद करा ना, तो उनके हाथ पे जैसे ऐसे वो गेट लगाते, मैं आपको गेट दिखाऊंगा। तो अपन हमारे मंदिर के गेट कैसे हैं कि अगर जैसे आप जबरदस्ती कोशिश करोगे ना, जैसे मैं अगर गेट बंद कर रहा हूँ और आप करोगे रुक जाओ ऐसे करोगे तो वो उंगलियां आ जाती है। ठीक है। सेम वो आंटी ने ऐसे कहा, मैं जैसे बंद कर रहा था तो मुझे अंदर से फील हुआ कि उसकी उंगली में चोट लग गई। हाँ।
बट मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि भाई ये तो भीड़ है, इतनी भीड़ में कैसे संभाल लूं सब कुछ करूं। तो मैं निकला और मैं ऊपर गया, तो अब शाम की आरती का टाइम था, नहाने धोने की बात आ गई। तो विश्वास करना, तो यहाँ मंदिर पे भाई घर वाली फैसिलिटी होती नहीं कि शावर ले लो या ये ले लो या वो ले लो। तो मैं ऐसे बाल्टी भरी मैंने, मैं बाल्टी से डब्बे से नहाने लग गया। ठीक है, तो वो एंड में अपन करते नहीं देसी जुगाड़, जब थोड़ा सा पानी रह जाता तो पूरी बाल्टी, हाँ वही मेरे दिमाग में आया, मैंने ऐसे उठाया वो बाल्टी, और विश्वास करो उस बाल्टी का कुंदा टूटा और मेरे सर पे सीधा भेड़ लगा। ओ अब मैं कहना यार ये क्या हो गया, अब वो हल्के से खून से भी आने लग गए। तो मैंने कहा ये, मैंने कहा कुंदा टूट गया ये वो होगा। तो मैं आरती कराने के लिए अंदर घुसा हूँ, वो लेडी वहीं खड़ी है। अब उसको तो नहीं पता मेरे बाल्टी लगी है, लगी है हाँ। वो तो पब्लिक में खड़ी थी, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, 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 नहीं। तो मेरे से कहती है चोट लगी दर्द तो नहीं हुआ बेटा तेरे को? अच्छा भगवान कसम, उस लेडीज ने बोला चोट लगी तेरे को दर्द तो नहीं हुआ? अब जब हम आरती के लिए जाते हैं तो आप देखना, तो हमें ऐसा नहीं होता कि हम अपने ट्रैक को पीछे ले जाएं, अगर हम सीधे चल रहे तो सीधे चलते चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। अब वो ऐसे साथ में खड़ी थी, मैं ऐसे चलता जा रहा हूँ देवताओं का ऐसे हाथ जोड़ा आरती के लिए, उसने ऐसे बोला चोट लगी दर्द तो नहीं हुआ तेरे को? तो मैंने मैंने सुना, मैंने उसको देखा, मैं ऐसे गया जैसे ही मैं अंदर घुसा मैंने उसको बोला, मैंने उस लेडीज को बुला के लाया, वो लेडीज गायब गायब गायब। वो सुबह 12 बजे की खड़ी थी और रात की आरती, शाम को 7 बजे की बात है जब उसने मेरे को ये बात बोली और वो लेडीज गायब हो गई। और मैं आज तक उस लेडीज को मैंने दोबारा नहीं देखा मंदिर में। आपको चेहरा याद है उनका आज? बिल्कुल याद है, बहुत अच्छे से याद है। और मेरे लिए शॉकिंग सिर्फ ये है कि उसने मेरे को ये बोला कि तेरे को चोट लगी दर्द तो नहीं हुआ, उन्हें ये भी पता था। और जब आपने बुलाना चाहा तो गायब। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि भैरव बाबा नीचे हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी। एक भैरव बाबा से रिलेटेड थी, देखो भैरव बाबा, भैरव बाबा का मंदिर भी साथ ही है ये। देखो कालका माता रानी का जब यहाँ स्थान देखा हमारे बड़े बुजुर्गों ने, सब कुछ देखा, तो यहाँ दो या तीन तरीके की भैरव है। दो या तीन? अच्छा, एक दूधिया भैरव है वो इधर है, एक परिक्रमा में भैरव देवता है। अच्छा, जिनको माता रानी की भोग के बाद भोग लगाया जाता है। अच्छा, एक नीचे है सरकटा भैरव। सरकटा क्यों? सरकटा भैरव का मतलब है कि जब उनका सर कटा था तो सर गिरा था वहां पे। अच्छा, एक दूसरा आपको बताता हूँ, सेलिब्रिटी फेस। हाँ, यहाँ पे वीआईपी कौन कौन आते हैं? मतलब देखो यहाँ वीआईपी तो ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो ना आता हो। अच्छा ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री के बॉलीवुड बहुत आते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ संजय दत्त, गोविंदा, गोविंदा की बेटी कंगना रनावत। अच्छा ठीक है, अक्षय कुमार की तो शूटिंग भी हुई है यहाँ पे। अच्छा, एक मूवी का सीन आया था उसका, और बहुत सारे हीरो हैं, मॉडल, सिंगर सब आते हैं यहाँ पे, अक्सर देखे जाते हैं। हाँ, अक्सर देखे जाते हैं। और मैंने एक चीज और देखी है कि जैसे कि संजय दत्त के बारे में आपको बताता हूँ मैं। हाँ जी, संजय दत्त के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई थी पीछे, ठीक है, कुछ साल पहले बड़े विवादों में रहे थे वो किसी चीज को लेके। तो अब हम छोटे थे, हम शायद हमारी एज नहीं थी उस टाइम पे इतनी, बट हमारे जो चाचा हैं या हमारे ताऊ जी हैं तो उनकी दोनों बहनें कालका मंदिर आती थी पूरे 40 दिन लगातार। अच्छा, क्योंकि कालका मंदिर में कालका माँ का चालीसा रखा जाता है, तो उसमें 40 दिन लगातार माता रानी के दर्शन करने पड़ते हैं और 40 दिन जोत लगाई जाती है। तो संजय दत्त की बहनें लगातार 40 दिन आई, लगातार 40 दिन आई थी। और ये भी सत्य है कि जो कालका माँ का चालीसा रखता है 40 दिन लगातार आता है और 40 दिन जोत जलाता है और 40 दिन एक सन्यासी की तरह जीवन बिताता है। सन्यासी मतलब कि अगर वो शादीशुदा है तो संबंध अपने परिवार से दूर हो जाए थोड़ा। हाँ जी, वैसे नॉर्मल रहे, ऑफिस जाए, सब कुछ करे, बट थोड़ा सा एक गैप। नवरात्रों में जैसे हम प्योर रहते हैं ऐसे। हाँ जी, तो 41वें दिन उसका उद्यापन होता है, तो जिसने भी ये रखा उसका काम बनता है। और ये वहां भी देखा गया? तो वहां जब ये संजय दत्त की बहनों ने रखा तो संजय दत्त का काम भी बना। अरे, और उन्होंने 41वें दिन आके उद्यापन करा। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि जब भी वो आते हैं दिल्ली में तो वो कालका मंदिर दर्शन करने जरूर आते हैं। इवन जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है कि हमारी शादी होती है तो हम अपनी वाइफ को लेके मंदिर में जाते हैं। हाँ। तो ऐसे ही संजय दत्त भी मान्यता को लेके मंदिर पे आया। अच्छा, जब शादी हुई। हाँ जी। अरे वाह,
तो ऐसे ही कंगना रनावत है, गोविंदा, गोविंदा की बेटी, और बहुत सारे हरियाणवी कलाकार यहाँ बहुत लोग आते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि हमें तो पता है कि ये वो है, हाँ जी, वो ऐसे अपने आप को कवर करके आते हैं। अच्छा। ना कोई पुलिस, ना कोई सिक्योरिटी, सीधा हमारे साथ जाएंगे, दर्शन करेंगे और सीधा निकल जाएंगे। बेसिकली उनका, लोगों का कहना ये है कि एक यही वो जगह है कि यहाँ अपनी हम अपने आप को वीआईपी ना दिखाएं, ना दिखाएं। कुछ लोगों की सोच ऐसी भी है, उनमें से अच्छी भी है, बहुत अच्छी है। अच्छा पंडित जी, नवरात्रे आने वाले हैं, कुछ अच्छी कुछ बातें, कुछ विधि विधान, कुछ माँ के दर्शन करने कैसे हैं, कब आए? देखो नवरात्रों में मैं आपको, आपके कैमरे की मैं बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि नवरात्रों में कालका मंदिर में बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है। हाँ जी, मतलब कैलकुलेशन लगाई जाती है कि 10 से 15 लाख आदमी रोज आता है, 10 से 15 लाख हर साल रोज डेली। और कालका मंदिर 24 घंटे खुलता है उस टाइम पे। अच्छा। और इतना ज्यादा क्राउड होता है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन दर्शन सबको होते हैं। ये माँ की कृपा है, ये माँ की कृपा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि भीड़ भड़क की वजह से रूल फॉलो नहीं हो पाते हैं। हाँ जी, कुछ चीजें गलत भी होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो लाइन तोड़ के आते हैं, कुछ कूद के भी आते हैं, कुछ फांद के भी आते हैं, कुछ लोग अलग तरीके के आते हैं। बट हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों को अच्छे से दर्शन करा पाए। ठीक है, विधि विधान नवरात्रों की पूजा, कालका माँ की पूजा, दुर्गा पूजा, हमेशा आप वही पूजा करो जो आप अपने पूर्वजों से सीखते हुए आए। अच्छा, पूजा पाठ में कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है कि नवरात्रों की पूजा ऐसी होती है तो आप उसी हिसाब से पूजा करो। आपको एक चीज और बताता हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से धर्मों में करवा चौथ पे छन्नी से नहीं देखते पति को। अच्छा, और आजकल ट्रेंड चल गया, सारी बहुएं नहीं, सारी बहुएं भाई साहब, वो आजकल तो छन्नियों पे भी फोटो बनती है हस्बैंड वाइफ, फिर इंस्टाग्राम पे डलती है, इंस्टाग्राम पे डलती है। लेकिन बहुत से धर्म आज भी ऐसे हैं कि वहां छन्नियों में नहीं देखा जाता, अपशगुन माना जाता। अच्छा, अपशगुन इसलिए माना जाता है कि चंद्रमा को तो छन्नी से देखा आपने, पर क्यों? हाँ। जब चंद्रमा को लाखों लोग हम रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं तो पति के सामने छन्नी क्यों लगाना? सही बात, क्यों पर्दा करना किसी चीज का? तो इसको बहुत से धर्मों में अपशगुन माना जाता। अब जैसे कि आपने देखा होगा शादी से पहले चूड़ा पहन लेते शादी के बाद, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत से धर्मों में नहीं पहनते, नहीं पहनते, अलाउड ही नहीं होता, हमारे यहाँ भी नहीं पहनते, नहीं होता, क्योंकि हमारे में वो अपशगुन माना जाता जी। तो इसीलिए पूजा पाठ में भी हमारे पूर्वजों ने भी यही बताया और हम भी यही सलाह देते हैं कि भाई जो आपके पूर्वज करते आए हैं पूजा पाठ करो बिना क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये बात सत्य है, आप अपने घर में पूछोगे, किसी से भी पूछोगे कि अगर पितृदेव नाराज हो जाए तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। और पितृदेव वो होते हैं जो हमें सिखा के गए हैं, हमारे दादा, परदादा, चाचा, ताऊ, पापा, फूफा, मामा जी। तो जो उन्होंने हमें सिखाया कोशिश करो वो ही करें, उसके अंदर कुछ अच्छा अगर ऐड हो सकता है तो ही करें, वरना जय माता की, ऐसा कुछ। पंडित जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, माँ के दर्शन अच्छा करते हुए चलेंगे। हाँ बिल्कुल, पक्का, बिल्कुल, धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली, जय माँ काली। देखिए हमें तो अच्छा लगा, आपको लगा या नहीं कमेंट्स में अपने क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन के साथ जय माता दी लिख के बतलाइए को सब्सक्राइब कर लेना।